Hey guys, स्वागत है आप लोग का टेकाड्रॉन पर एंड वेलकम टू माइनक्राफ्ट हार्डकोर 1.18 ब्रांड न्यू सीरीज। यस गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट हार्डकोर की 1.18 सीरीज नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसको भी मैं जंगल ओनली वर्ल्ड जितना एपिक बनाऊंगा उससे भी ज्यादा एपिक बनाऊंगा। आई नो आप में से बहुत सारे लोग मुझे मेरे जंगल ओनली वर्ल्ड की वजह से जानते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ जंगल ओनली वर्ल्ड से भी ज्यादा बड़े फार्म्स इंडिया के अंदर बिगेस्ट फार्म्स बनाने वाले हैं हम लोग इस सीरीज के अंदर। तो फटाफट से हम लोग अपनी जर्नी शुरू करते हैं। आज का गोल है कि मैं गेम को फटाफट से स्पीड रन करूंगा, जितना जल्दी हो सके 10 दिन के अंदर एंडर ड्रैगन को बीट करके इलाइट्रा लेकर आने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है आज के एपिसोड में, जल्दी से शुरू करते हैं। और हाँ, आज कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आने वाले हैं जहां मैं मरते मरते बचूंगा और आपको गूज बम्स आ जाएंगे, 2-3 बार होने वाला है ऐसा। तो पूरा एपिसोड देखना, बहुत मजा आने वाला है। सो हमारा ब्रांड न्यू हार्डकोर वर्ल्ड हो चुका है स्टार्ट। मैं स्पॉन हो चुका हूँ प्लेन्स बायोम के अंदर, आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ प्लेन्स ही प्लेन्स नजर आ रहे हैं और साइड में छोटा सा सैंड का एरिया नजर आया मुझे। पहले फटाफट से मैं चारों तरफ देखता हूँ क्या है क्या नहीं है, क्योंकि एकदम नया वर्ल्ड है गाइज, और हार्डकोर वर्ल्ड नॉर्मल वाला खेले हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है, और इसके साथ इतनी सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। सामने मुझे टर्टल नजर आ चुके हैं और फटाफट से मैं जाकर देखता हूँ वहाँ पर कितने टर्टल हैं कितने नहीं है। स्पॉन पॉइंट के पास में टर्टल्स बहुत अच्छी बात है गाइज, फ्यूचर में हम लोग इनकी ब्रीडिंग कराकर टर्टल एग्स ले सकते हैं और बहुत ऑसम फार्म जैसे कि वेदर स्केलेटन फार्म वगैरह बना सकते हैं जिसके अंदर टर्टल एग्स यूज होते हैं। सो फटाफट से पहले वुड कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वुड के बिना किसी भी नए वर्ल्ड के अंदर प्रोग्रेस करना इम्पॉसिबल है। तो फटाफट से मैं वुड कलेक्ट कर लेता हूं। अब एक और खास बात मैं आपको बता देता हूं कि इस गेम को हम फटाफट से स्पीड रन करने की कोशिश करेंगे, मतलब इस वाले वर्ल्ड को, और फटाफट से जाकर एंडर ड्रैगन को मारेंगे और इलाइट्रा लेकर आएंगे, क्योंकि यार मेरा जंगल ओनली वर्ल्ड खेल खेल करना इतना ह्यूज हो गया था वो कि मेरे को इलाइट्रा की आदत लग चुकी है। तो अब मैं बिना इलाइट्रा के तो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो पहले सबसे पहला काम हम लोग ये करने वाले हैं, जल्दी से जाकर इलाइट्रा लेकर आएंगे। गोल ये है कि पहले 10 दिन के अंदर से इस पूरे वर्ल्ड को हम लोग एंड कर देंगे, फटाफट से स्पीड रन करेंगे। मैं थोड़ा सा ही आगे आया था कि मुझे एक ज़ॉम्बी दिखा जिसके अंदर आग लगी हुई थी, मैंने उसे फटाफट से मार दिया और मॉन्स्टर हंटर वाला अचीवमेंट दे दिया। अब अचीवमेंट से याद आएगा, इसमें आप लोग को एक और खास बात बता दूं कि 1.18 माइनक्राफ्ट हार्डकोर के अंदर जितने अचीवमेंट्स हैं वो सारे हम लोग इस वर्ल्ड के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। एंड गाइज, थोड़ा सा आगे आने पर मुझे एक जंगल बायोम मिल गया, दिस इज सो ऑसम यार। जंगल बायोम बहुत ज्यादा अच्छे बायोम्स में से एक है, इसके अंदर पैरेट जैसे बहुत ऑसम पेट्स मिलते हैं। यहाँ पर मैंने स्टोन गैदर करना शुरू कर दिया, क्योंकि फटाफट से हम लोग अब स्टोन की टूल्स बना देने वाले हैं। स्टोन की टूल्स बनाने के बाद फटाफट से आयरन की टूल्स बनाएंगे और जल्दी से हम लोग डायमंड ढूंढने के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद नेदर के अंदर जाना है और गेम को फटाफट से बीट करना है यार। गोल मेरा ये है कि किसी भी तरह मैं 10 दिन के अंदर अंदर गेम को बीट करने वाला हूँ आज। सो टूल्स तो बनकर रेडी हो चुकी हैं, नाउ द हंटिंग बिगिंस। सबसे पहले हम लोग शीप्स को मारकर बेड बनाने वाले हैं। पहली शीप गई, ये गई दूसरी, अब फटाफट से तीसरी शीप ढूंढनी है जो कि मेरे को सामने नजर आ चुकी है। फटाफट से जाकर मैं तीसरी शीप को मारता हूँ और उसी के साथ साथ बहुत सारा खाना भी इकट्ठा करना है हमें, क्योंकि नीचे हम केविंग के लिए जाने वाले हैं 1.18 की केव्स के अंदर। मैं आई थिंक दूसरी बार जाने वाला हूँ और बहुत गहरी गहरी केव्स होती हैं जिसके अंदर डायमंड्स ढूंढना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। मिलते तो हैं बट मेरे ख्याल से स्पॉन रेट जो है कम हो गया डायमंड्स का। तो फटाफट से हम लोग फूड इकट्ठा करते हैं, बेड बनाते हैं और उसके बाद हम लोग जाने वाले केव्स के अंदर डायमंड्स ढूंढने के लिए। ये मैंने यहाँ पर बेड जो है क्राफ्ट कर लिया, आप लोग देख सकते हैं हमारा बेड बनकर रेडी है। मैं फटाफट से सारा का सारा फूड जो है कुक करने भी रख देता हूँ, एक फर्नेस बनाकर। ये मैंने फर्नेस बना लिए और सारा का सारा फूड अब हम लोग कुक करने के लिए रख देने वाले हैं। इसके बाद गाइस, दिन खत्म होने से पहले पहले मेरा गोल था कि जितनी एरिया की काउज है ना सबको टपका देने वाला था मैं। वैसे तो मैं वेजिटेरियन होकर खेलना चाहता हूँ गेम को, बट क्या कर सकते हैं यार, हमें स्पीड रन करना है फटाफट, तो मीट तो खाना ही पड़ेगा, काउज को बिना मारे चलेगा नहीं। तो मैंने फटाफट से सारी की सारी काउज को यहाँ पर मारना शुरू कर दिया और वहाँ से फूड गैदर करना शुरू कर दिया। तो फटाफट से काउज को मारने के बाद हम लोग गेम में आगे प्रोग्रेस करेंगे और जाएंगे केव्स को एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पर मुझे केव्स ढूंढते ढूंढते रात हो गई और अभी तक हम ज़्यादा प्रोग्रेस कर भी नहीं पाए हैं। तो गाइस, पहले तो मैं फटाफट से सो जाता हूँ यहाँ पर, अगले दिन सुबह उठकर हम लोग जल्दी से करेंगे आगे। और गाइस, अगले दिन सुबह मुझे एक विलेज नजर आया जिसमें मुझे सामने एक आयरन चलता हुआ नजर आ रहा था जिसे हम जाकर फटाफट से लेने वाले थे वहां से। तो फटाफट चलते हैं आयरन गोलम को मारकर उससे आयरन ले लेते हैं और विलेज की लूट चेकआउट करते हैं। और गाइस, स्पीड रन करते टाइम विलेज मिलने का मतलब है कि हमें हेबेल्स मिल चुकी है, जिसका मतलब है भर भर के खाना मिल चुका है। हेबेल्स बहुत अच्छा फूड सोर्स है जिससे बहुत सारे ब्रेड हम लोग बना सकते हैं, और फटाफट से मैंने सारी की सारी हेबेल्स जो है कलेक्ट करनी शुरू कर दी। इसके बाद मैंने विलेज को लूटना शुरू कर दिया। और गाइस, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने शायद इससे गरीब विलेज लाइफ में आज तक नहीं देखा। अपने माइनक्राफ्ट मैंने जितने साल खेला है अभी तक मैंने एक भी विलेज इतना गरीब नहीं देखा। इसमें एक भी चेस्ट नजर नहीं आई थी मुझे अभी तक, मैं लगभग 3-4 घर के अंदर घुस चुका था। सामने मुझे कैट तो नजर आई बट मेरे को एक भी चेस्ट नजर नहीं आई। सीरियसली यार, कुछ तो दे दो अच्छी लूट। एमरल्ड्स तो बहुत दूर की बात, यहाँ पर मुझे पोटेटो या फिर एप्पल वगैरह भी नहीं मिल रहे थे। तो मैंने सोचा फटाफट से यहाँ से मैं बेल ले लेता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग अपना एक विलेजर किंगडम जब बनाएंगे तो बेल की जरूरत हमें पड़ने ही वाली है। तो मैंने दोनों की दोनों यहाँ से बेल्स निकाल ली। लूट की आखिरी उम्मीद था हमारा ये बड़ा वाला घर, मैंने सोचा कि इसके अंदर तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, और जब मैं इसके अंदर गया यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक बेबी विलेजर था जो मेरी मजाक उड़ा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है। फाइनली मैंने लाइब्रेरियन के पास से फिर कुछ बुक शेल्फ जो है कलेक्ट कर ली, क्योंकि बुक्स की तो हमें जरूरत पड़ने
आने वाली थी जब हम लेवल 30 का एंचांटमेंट सेटअप बनाएंगे। इस एपिसोड के अंदर नहीं बनाएंगे बट डेफिनेटली फ्यूचर में कभी ना कभी तो बनाने वाले ना यार। तो उसके लिए मैंने यहाँ से सारी की सारी बुकशेल्फ्स जो है तोड़ ली थी। और गाइज यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी बात हुई, जब मैंने फाइनली आखिरी घर चेक करा इसके अंदर मुझे एक चेस्ट दिखी, बट इसके अंदर भी कुछ खास लूट नहीं थी, कुछ एप्पल्स और पोटेटोज ही थे और कुछ ओक की सैपलिंग्स थी, जैसे कि बहुत रेयर चीज होगी ना यार ओक की सैपलिंग ये लोग विलेज के अंदर ऐसे छुपा के रखते हैं। इसके बाद मैंने बड़े प्यार से आयरन गोलम से आयरन मांगा और उसने मुझे आयरन दे भी दिया। मुझे 5 आयरन के इनगट्स मिल चुके थे गोलम को मारने के बाद। अब फटाफट से इसके बाद मैंने आयरन की पिकैक्स बना ली क्योंकि अब जाने वाले थे हम लोग केविंग के लिए। आई नो मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ बट इस बार मैं केव्स ढूंढ के ही रहूंगा और फटाफट से डायमंड हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट मैंने आयरन की पिकैक्स बना ली और इसके बाद मैं केविंग के लिए निकल गया। और गाइज मैं एक लंबी सी टनल में नीचे की तरफ आया जो कि काफी गहरी थी और यहाँ पर मुझे उससे कनेक्ट होती हुई एक माइन शाफ्ट मिल गई। अब गाइज माइन शाफ्ट का मतलब है कि शायद हमें डायमंड्स मिल सकते हैं, बट जब मैंने इसकी लूट चेस्ट खोली तो उसके अंदर कुछ खास लूट नहीं थी, ग्लो बेरीज, कुछ नेम टैग्स और टॉर्चेस वगैरह ही थी जो कि बहुत नॉर्मल सी लूट है। बट anyway, मैंने यहाँ से सारी की सारी लूट कलेक्ट करी और उसके बाद माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया इस उम्मीद में कि मेरे को कुछ डायमंड्स वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ से आगे आने पर मुझे कुछ लैपिस लजूली दिख गई थी, मैंने सोचा इसे कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि एन्चांटिंग के काम ही आने वाली है और लैपिस इतनी आसानी से मिलती नहीं है, बार बार केव्स के अंदर आना पड़ता है। तो यहाँ से मैंने थोड़ी सी लैपिस कलेक्ट कर ली और इसके बाद यहाँ पर मैं कॉब वेब में अटक गया जिसे मैंने फटाफट तोड़ा और आगे माइनक्राफ्ट को एक्सप्लोर करना कंटिन्यू रखा। इसके बाद मुझे एक और लूट चेस्ट नजर आ चुकी थी बट उसके पास में एक जॉम्बी भी था जो शायद से कॉब वेब में अटका हुआ था। इसे मैंने बड़े आराम से यहाँ पर मार दिया और उसके बाद जब मैंने लूट चेकआउट करी तो उसके अंदर से बहुत ही बेसिक लूट मिली, कुछ ब्रेड वगैरह, कोल, रेडस्टोन डस्ट और कुछ टॉर्चेस वगैरह मिली जिसे मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया और माइनक्राफ्ट को आगे एक्सप्लोर करना कंटिन्यू रखा। थोड़ी दूर आकर मैंने कुछ गोल्ड माइन करना शुरू कर दिया। अब गाइस गोल्ड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आज के एपिसोड के अंदर क्योंकि इस गोल्ड से हम लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं पिगलिंस के साथ में नेदर के अंदर जाकर, जिनसे हम लोग बहुत सारे एंडर पर्ल्स और अलग अलग टाइप के पोशंस वगैरह ले सकते हैं जो कि हमें एंडर ड्रैगन को बीट करने में काफी हेल्प करने वाले हैं। और गाइज फाइनली अभी दूसरा दिन खत्म नहीं हुआ है और हमें डायमंड्स मिल चुके हैं। यार ये बहुत ऑसम मोमेंट है बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली एक ही डायमंड था, बट एक तो एक सही यार, डायमंड मिले तो सही। और गाइज वो पहला डायमंड मिलने के बाद मैंने 1.18 वाली बड़ी बड़ी केव्स को जब एक्सप्लोर करना शुरू किया ना तो यार मुझे और डायमंड्स और रेडस्टोन वगैरह मिलने शुरू हो गए। सामने आप लोगों ने नोटिस कर ही लिया होगा डायमंड्स नजर आ चुके हैं, फटाफट से मैं जाकर इन डायमंड्स को कलेक्ट कर लेता हूं। अब गाइज ये 2 डायमंड और हैं और एक डायमंड हमें मिल चुका है, मतलब अपनी पिकैक्स का काम तो हो गया। अरे यार 2 से भी ज्यादा डायमंड थे, वाह यार कितनी ऑसम बात है, इन केव्स के अंदर बड़ी आसानी से डायमंड मिल जा रहे हैं यार। और गाइस आप लोगों में से शायद कुछ लोग बोल रहे थे कि 1.18 के अंदर डायमंड्स का स्पॉन रेट कम हो चुका है, बट मेरे को तो लग रहा है यार शायद बढ़ चुका है क्योंकि मुझे डायमंड्स इतनी आसानी से मिलते जा रहे हैं ना। मैं जा रहा हूं खाली केव्स को एक्सप्लोर करते करते और डायमंड्स मिलते जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हो एक और डायमंड मिल गया यहां पर। और गाइस साइड बाय साइड में काफी सारा गोल्ड और आयरन भी माइन करता हुआ चल रहा था क्योंकि आयरन का हम फटाफट से आर्मर बनाएंगे सरफेस पर जाकर और उसके बाद नेदर पोर्टल बनाकर फटाफट से नेदर के अंदर जाने वाले हैं। और गाइस यहां पर गोल्ड कलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं करने वाला हूं बहुत सारा ऑब्सिडियन माइन। मैंने एक वाटर बकेट यहां पर बनाकर रेडी कर ली है तो यहां पर मैंने ऑब्सिडियन के अंदर कन्वर्ट कर दिया लावा को। फटाफट से गाइस ऑब्सिडियन माइन करना शुरू कर देते हैं बट उससे पहले हमें बनानी पड़ेगी एक डायमंड की पिकैक्स। तो यहां पर मैंने फटाफट से एक डायमंड की पिकैक्स बना ली है और मैंने सोचा जब पिकैक्स बना ही ली है तो साथ साथ एक स्वॉर्ड भी बना लेता हूं क्योंकि 2 डायमंड हमारे पास जो है स्पेयर बचे हुए थे तो यहां पर मैंने एक स्वॉर्ड भी बना ली है। तो गाइस अब हम एकदम गियर अप हो चुके हैं, फटाफट से ऑब्सिडियन माइन करते हैं और उसके बाद चलेंगे हम लोग नेदर के अंदर। तो गाइस यहां पर मैंने ऑब्सिडियन माइन करना शुरू कर दिया है। ऑब्सिडियन माइन करने के बाद सीधा मैं जाऊंगा सरफेस के ऊपर और वहां पर बनाऊंगा एक नेदर पोर्टल और उसके बाद हम लोग चलेंगे नेदर के अंदर। सो ऑब्सिडियन माइन करने के बाद मैं सरफेस के ऊपर वापस आ चुका हूँ। फटाफट से यहाँ पर मैंने आयरन जो है स्मेल्ट कर लिया है और अब जल्दी से हम लोग बनाते हैं आयरन का आर्मर। मैंने बूट्स बना लिए हैं, चेस्ट प्लेट बना ली है और लेगिंग्स बनाने वाला हूँ अब मैं और उसके बाद हेलमेट। अब गाइस पूरा का पूरा आर्मर बनाने के बाद एक और खास चीज बनाने वाले हैं हम लोग, वो है गोल्ड के बूट्स। और यहाँ पर मैंने शील्ड भी क्राफ्ट कर लिए। गोल्ड के बूट्स हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि नेदर के अंदर पिगलिंस हम पर अटैक करते हैं अगर हमने गोल्ड का कोई आर्मर पीस नहीं पहना हुआ है। अब गाइस इसी के साथ मैंने अपना आयरन आर्मर पहन लिया है, आप लोग देख सकते हैं गोल्ड के बूट्स पहन लिए तो कुछ ऐसे लग रहे हैं हम लोग। अब एकदम रेडी हैं हम लोग नेदर के अंदर जाने के लिए। मैं फटाफट से नेदर पोर्टल बना लेता हूं। ये मैंने नेदर पोर्टल जो है बनाकर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और नेदर पोर्टल मैंने एक्टिवेट कर दिया। अब चलते हैं नेदर के अंदर। और गाइज ये हम चले नेदर के अंदर एक और स्टेप क्लोजर एंडर ड्रैगन को बीट करने के। अब देखते हैं कैसा स्पॉन मिलता है। हो नो यार सीरियसली, मतलब नेदर फोर्ट्रेस के अंदर स्पॉन हो गए हैं यार हम लोग। इससे ऑसम स्पॉन मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखा यार। आप लोग बताओ यार कितना लकी मोमेंट है ये, मतलब इतना ऑसम स्टार्ट मिला है हमारी नई हार्डकोर सीरीज को। देख रहे हो यार नेदर पोर्टल पूरा नेदर फोर्ट्रेस के अंदर है,
एकदम कॉरिडोर में यहाँ पर स्पॉन हुए हम लोग। कितनी ऑसम बात है। बस गाइस फटाफट से ब्लेज स्पॉनर ढूंढते हैं, ब्लेजेस को मारते हैं, थोड़ी सी लूट वगैरह गैदर करते हैं और चलते हैं एंडर ड्रैगन को बीट करने। अब गाइस आई थिंक तीसरा दिन चल रहा है ये, और तीसरे दिन में हमने इतना सारा प्रोग्रेस कर लिया यार, देखो कितना जबरदस्त प्रोग्रेस कर लिया है। तो ये रहा गाइस ब्लेज स्पॉनर, मुझे दिख चुका है। अब जल्दी से ब्लेजेस को मारना शुरू करते हैं। हमारे पास फायर रेजिस्टेंस का पोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली एक शील्ड है। इसी की मदद से हमें ब्लेजेस को मारना शुरू करना पड़ेगा। और गाइस काफी रिस्की होने वाला है ये। आप लोग देख सकते हैं मुझमें आग लग चुकी है, हार्ट्स बहुत तेजी से जा रहे हैं, बट एक अच्छी बात है कि मेरे पास स्टीक है जो कि काफी अच्छा खाना है और हमारी हेल्थ काफी जल्दी रिकवर करेगा। तो यहाँ पर मैं एक के बाद एक सारे के सारे ब्लेजेस को मारता जा रहा हूँ, और मुझे अभी तक ब्लेज रॉड नहीं मिली है यार। दो ब्लेजेस मार दिए, एक ब्लेज रॉड मिल जाती तो थोड़ा अच्छा सा फीलिंग आती, अच्छा लगता। अब फटाफट गाइस इसके बाद मैंने ब्लेजेस को मारना कंटिन्यू रखा और मुझे फाइनली ब्लेज रॉड्स मिलना शुरू हो गई थी। एक के बाद एक मैंने यहाँ पर बहुत सारे ब्लेजेस को मारा, और मेरा गोल था कि लगभग मेरे को 10 या 12 लगभग ब्लेज रॉड मिल जाए तो उतनी काफी होंगी आई गेस हमारे लिए। और फटाफट से उसके बाद जाकर हम लोग एंडर पल्स इकट्ठा करेंगे। ब्लेजेस को मौत के घाट उतारने के बाद मैं आ चुका था नेदर वॉर्ड वाले रूम के अंदर। वैसे नेदर वॉर्ड की कोई जरूरत नहीं है, बट मैंने सोचा नेदर फोर्ट्रेस के अंदर आए हैं तो फटाफट से कुछ नेदर वॉर्ड ले लेते हैं। इसके बाद में खेती करेंगे हम लोग अपने, जब बेस वगैरह बनाना शुरू करेंगे तो काफी हेल्पफुल होने वाला है बहुत सारे पोशंस वगैरह बनाने के लिए बाद में। इसके बाद गाइस मैंने नेदर फोर्ट्रेस को लूट करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि मेरे को कुछ डायमंड वगैरह मिल जाए या कुछ अच्छी लूट मिल जाए जो मेरे काम आ सके एंडर ड्रैगन को बीट करने में। और गाइस आप लोगों ने मेरी इन्वेंटरी में नोटिस करा होगा बहुत सारे ब्रेड्स, मैं एक्चुअली वापस गया था और उसके बाद मैंने ब्रेड जो है क्राफ्ट कर लिए थे। हमें इतनी सारी हेबेल जो मिली थी ना विलेज के अंदर से, वहां से मैंने बहुत सारे ब्रेड्स ले लिए थे। अब गाइस देख रहे हो यार कितने सारे सैडल्स मिल रहे हैं हमें, और एक के बाद एक कितनी सारी लूट चेस्ट है यहाँ पर। पहले तो मेरे को लूट चेस्ट मिल नहीं रही थी, मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया था नेदर फोर्ट्रेस के अंदर। अब इतनी सारी मिली है कि सीरियसली यार आप लोग सैडल्स का काउंट देखो, हमारे पास लगभग 5 सैडल इकट्ठे हो चुके हैं यार एक नेदर फोर्ट्रेस के अंदर से। हाउ ऑसम इज दैट। अब गाइस ब्लेज रॉड्स इकट्ठा करके पहला स्टेप तो कंप्लीट हो चुका था एंडर ड्रैगन को बीट करने का। अब दूसरा स्टेप ये था कि हमें बहुत सारे एंडर पर्ल्स की जरूरत पड़ने वाली थी, तो इसलिए मैं बहुत सारा गोल्ड माइन कर रहा था यहाँ से, जिससे हम लोग इनगट बनाकर फटाफट से काफी सारे पिगलिन के साथ में ट्रेड कर सके और बहुत सारे एंडर पर्ल्स ले सके। उसकी मदद से हम लोग बनाएंगे आई ऑफ एंडर और एंड पोर्टल को एक्टिवेट कर जाएंगे एंड डायमेंशन के अंदर, और एंडर ड्रैगन की पिटाई करने वाले हैं। अब गाइस आप लोग सोच रहे होंगे यार कि मैं माइनक्राफ्ट को स्पीड रन कर रहा हूँ सिर्फ इलाइट्रा के लिए, तो यार सच्ची बात है मुझे इलाइट्रा की इतनी आदत पड़ चुकी है कि मैं माइनक्राफ्ट को स्पीड रन कर रहा हूं। यहां पर हार्डकोर का हमारा पहला एपिसोड है नॉर्मल सीरीज का, और यहां पर मैंने स्पीड रन करना चालू कर दिया इसे। तो जल्दी से मैं बहुत सारा गोल्ड माइन कर लेता हूं जितना जल्दी हो सके। मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा दिन चल रहा होगा, मुझे ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। अब फटाफट से गोल्ड माइन करने के बाद हम लोग पिगलेट्स के साथ में ट्रेडिंग करेंगे और एंडर पर्ल्स इकट्ठे करेंगे। सो गाइस गोल्ड इनगट्स बनाने के बाद मैंने 2 गोल्ड के सिक्योरिटी गार्ड्स को यहां पर कैद कर लिया, और यहां पर मैंने ट्रेडिंग करनी इनके साथ में शुरू कर दी है। अब इन बार्टरिंग करनी शुरू कर दी, और बहुत सारे गोल्डन इनगट्स इन्हें मैंने दे दिए। अब बस खड़े होकर यहां पर वेट करना है थोड़े टाइम, और ये हमें बहुत सारी ऑसम चीजें देना शुरू कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं ज़ॉम्बी फाइट पिलिन पता नहीं कहां से बीच में आ रहा है। तो गाइस यहां पर देखिए इन्होंने चीजें देना शुरू कर दिया, स्पेक्ट्रल एरोज दिए हैं और मेरे ख्याल से लेदर दिए है मेरे को, और भी बहुत सारी अलग अलग चीजें हम लोग को मिलने वाली है। बस खड़े होकर यहां पर वेट करना है, और ये लोग स्पेक्ट्रल एरोज देने में लगे हुए हैं मेरे को। बट गाइस मुझे एंडर पर्ल्स चाहिए, तो प्लीज यार एंडर पर्ल्स दे दो। और यहां पर मुझे क्राइंग ऑब्सीडियन भी मिल गया है, जिससे हम लोग बहुत ऑसम चीज बना सकते हैं। रिस्पॉन एंकर करके होती है, जो कि जहां भी आप प्लेस करोगे ना वहां पर आपका रिस्पॉन पॉइंट सेट हो जाता है, बहुत ऑसम चीज है। तो गाइस यहां पर मैं वेट करने वाला हूं फटाफट ट्रेडिंग करने के बाद, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाता हूं जल्दी से। तो बार्टरिंग करने के बाद हमें ये कुछ चीजें मिली हैं, 2 फायर रेजिस्टेंस के पोशन मिल गए जो कि अच्छी बात है, और कुछ एंडर पर्ल्स मिले। मैं ज्यादा की उम्मीद कर रहा था, बट हमारे पास ज्यादा गोल्डन इनगट्स नहीं थे, ज्यादा गोल्ड में इकट्ठा नहीं कर पाया था, तो इतने से ही मैंने काम चला लिया। और इसके बाद गाइस यहां पर जाकर आप लोग को दिखाता हूं मैं 2 जो सिक्योरिटी गार्ड थे हमारे गोल्ड के, वो क्या कर रहे हैं। इन्हें मैं फटाफट से यहां पर ब्लॉक ऑफ कर देता हूं, यहां पर अब ये हमेशा हमेशा के लिए ऐसे रहने वाले हैं। इसके बाद गाइस मैं पास के वार्प फॉरेस्ट के अंदर आ गया था, और यहां पर मैंने एंडरमैन को मारना शुरू कर दिया था अपनी क्लासिक ट्रिक का यूज करके। आप लोगों ने मेरी 100 डेज वाली वीडियोस के अंदर देखा होगा, मैं एंडरमैन को हमेशा ऐसे ही मारता हूं। सबसे सेफ तरीका है गाइस ये, एक 2 हाइट का प्लेटफॉर्म बनाना होता है और उसके बाद उसके नीचे खड़े होकर एंडरमैन पर हमला करना है, बस वो लोग आपको हिट नहीं कर पाएंगे। तो गाइस जल्दी से हम लोग 16 एंडर पल इकट्ठे करते हैं, और उसके बाद चलेंगे हम लोग ओवरवर्ल्ड के अंदर और फटाफट से अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड की जर्नी शुरू करेंगे। सो मैं ओवरवर्ल्ड के अंदर वापस आ चुका हूँ एंडर पर्ल्स इकट्ठा करके, और गाइज आप लोग ने नोटिस करा होगा मेरी जो पहली लोकेशन थी मैं वहाँ से अलग लोकेशन पर आ चुका हूँ। अब वो लोकेशन मेरे से गलती से गुम हो गई है, वो कैसे गुम हुई वो मैं आपको आने वाले एपिसोड के अंदर बताऊंगा। तो गाइज यहाँ पर मैंने आई ऑफ एंडर क्राफ्ट कर ली है, अब फटाफट से हम लोग अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड की जर्नी शुरू कर देने वाले हैं। आप लोग देख रहे हैं शाम होने वाली है, तो पहले तो मैं फटाफट से सो जाता हूँ, और उसके बाद अगले दिन सुबह उठकर हम लोग अपनी जर्नी शुरू करते हैं। सो अगले दिन सुबह होती मैंने पहली आई ऑफ एंडर फेंकी, और मुझे डायरेक्शन पता लग चुका है स्ट्रॉन्ग होल्ड का। और यार देखो सीरियसली पहली आई ऑफ एंडर मैंने फेंकी और वो टूट चुकी है। अगर ऐसे ही होता रहा तो पता नहीं हम लोग एंड पोर्टल एक्टिवेट कर भी पाएंगे या नहीं। और सामने गाइस मुझे एक रूइन पोर्टल नजर आया है, वैसे पहले मेरे को दिख गया था, बट अगले वाले एपिसोड के अंदर इसकी लूट हम लोग जाके चेकआउट करेंगे। अभी फटाफट से चलते हैं और एंडर ड्रैगन को बीट करते हैं।
और गाइस अभी आई थिंक 6th या 7th डे होगा, मतलब अभी तक 10 डेज कंप्लीट नहीं हुए और हम लोग एंडर ड्रैगन को बीट करने के बहुत करीब हैं। ऑन एन एवरेज हर स्ट्रॉन्ग होल्ड लगभग 700 800 से 1000 ब्लॉक्स की रेडियस में होता है, बट मेरे को अब देखना है कि कितना टाइम लगता है मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने में। और यहाँ पर मैंने आई ऑफ एंडर एक बार और फेंकी, बट मुझे डायरेक्शन का कुछ ठीक से पता नहीं लग पा रहा था यहाँ पर। और गाइज मुझे इस जर्नी में काफ़ी टाइम हो गया है ट्रैवल करते करते, लगभग आधा दिन निकलने वाला है और हम लोग काफ़ी ब्लॉक्स आगे आ चुके हैं। 500 600 ब्लॉक्स हम लोगों ने ट्रैवल कर लिया होगा और यहाँ पर समुद्र के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ मैं अभी। मेरा गोल ये है कि फटाफट से स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढता हूँ और 7 to 8 डेज से ही पहले हम लोग एंडर ड्रैगन को बीट कर देंगे। गाइज यहाँ पर एक डॉल्फिन आ चुकी है मेरा साथ देने के लिए। डॉल्फिन जो हैं बार बार पानी के अंदर आ जाती हैं, आपकी स्पीड बढ़ाती हैं माइनक्राफ्ट के अंदर अगर आपको पता हो तो। और गाइज यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका है और मैंने फायर रेजिस्टेंस का एक पोशन पी लिया है क्योंकि मैं स्ट्रेट डाउन नीचे की तरफ डिक करने वाला हूँ जस्ट इन केस हम लोग लावा के ऊपर ना गिर जाएं। इस वजह से मैंने फायर रेजिस्टेंस का पोशन पिया क्योंकि कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट जब नीचे की तरफ डिक करते हैं हम कुछ पता नहीं होता है। और गाइज फाइनली हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर आ चुके हैं। अब फटाफट से मैं जाकर मेन रूम ढूंढना शुरू कर देता हूँ जहाँ पर हमारा एंड पोर्टल होएगा और फटाफट से हम लोग एंड डायमेंशन के अंदर जाते हैं। सो यहाँ पर गाइज मुझे अभी मेन रूम तो नहीं मिला, बट मुझे लाइब्रेरी वाला रूम मिल चुका है। यहाँ पर बहुत सारी बुक शेल्फ्स हैं, डेफिनेटली मैं कुछ बुक शेल्फ्स ज्यादा टाइम यहाँ से लेकर जाऊंगा। और यहाँ पर फटाफट से लूट चेस्ट के अंदर लूट देखते हैं कैसी लूट हमें मिली है। अब गाइज एक बहुत खास बात, जो लोग सोचते हैं कि एंडर ड्रैगन को मार दिया और माइनक्राफ्ट गेम खत्म हो गया, वो बहुत गलत सोचते हैं। असली माइनक्राफ्ट के प्लेयर्स को पता है कि एंडर ड्रैगन को बीट करने के बाद तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज खुलती हैं, असली गेम वहीं से स्टार्ट होता है। तो गाइज यहाँ पर फटाफट से मैं लूट चेस्ट की लूट देख लेता हूँ इसके अंदर क्या मिला है। फॉर्च्यून 2 की एक बुक मिल गई है, बहुत अच्छी बात, और लूटिंग 2 की बुक मिल गई है यार, ऑसम लूट मिली है इस स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर हम लोग को। और यहाँ पर गाइज मुझे मेन रूम मिल चुका है, आप लोग देख सकते हैं। जल्दी से मैं स्पॉनर को तोड़ देता हूँ, सिल्वर फिश मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, और फटाफट से आप एंड पोर्टल को एक्टिवेट कर देते हैं। और देख रहे हो यार कितनी बुरी किस्मत है, एक भी आई ऑफ एंडर यहाँ पर लगी हुई नहीं है पहले से। अगर हमारे पास 12 से कम होती ना तो काम खराब हो जाना था, हमें वापस से बेस पर जाना पड़ता और आई ऑफ एंडर क्राफ्ट करनी पड़ती। तो गाइज ये एंड पोर्टल एक्टिवेट हो चुका है, अब जल्दी से हम लोग अंदर की तरफ जंप करते हैं और जाकर देखते हैं हमारा स्पॉन पॉइंट कैसा है। तो ये मैंने कर दी जंप, अब गाइज एंड डायमेंशन के अंदर हम लोग स्पॉन हो चुके हैं। अब फटाफट से मैं ऊपर की तरफ स्टेयरकेस बनाता हूँ और फिर जाकर हम लोग एंडर ड्रैगन से फाइट लेना शुरू करते हैं। जल्दी से एंडर ड्रैगन को बीट करेंगे, उसके बाद यार हमें एंड सिटीज ढूंढनी है, इलाइट्रा लेकर आना है और वहां से बहुत ओपी लूट भी लेनी है क्योंकि गाइज एंड सिटीज के अंदर से हमें, मेरे को जहां तक लगता है ना, डायमंड के आर्मर भी आराम से मिल सकता है। वहां पर एनचांटेड आर्मर मिलता है, टूल्स मिलती है, बहुत ऑसम लूट मिलती है। और यहाँ पर सर्फिस पर आते ही मैंने फटाफट से एंड क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था और यार अपना एम तो ऑसम है ही। और स्पेक्ट्रल एरोज की खास बात यह है गाइस कि जहां भी आप एरोज को मारते हो ना वहां से दोबारा से कलेक्ट कर सकते हो अगर आपको एरो दिख जाता है तो। फटाफट मैं एक के बाद एक सारे के सारे एंड क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था और यहाँ पर इस वाले क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने में मुझे काफी टाइम लग गया, पता नहीं क्यों वहां तक एरो ठीक से पहुंच नहीं रहा था। बट फटाफट मैं एक के बाद एक सारे क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करूंगा और उसके बाद एंडर ड्रैगन पर हमला बोल देने वाला हूँ। और गाइज ये मैं चला आखिरी एंड क्रिस्टल डिस्ट्रॉय करने और आप लोगों ने देखा अभी नीचे से एंडर ड्रैगन निकला, कितना डेंजरस लगा वो वाला मोमेंट यार। अब फटाफट से इसको भी मैं ब्लास्ट कर देता हूँ और ये हो गए आखिरी एंड क्रिस्टल भी डिस्ट्रॉय। अब फटाफट से एंडर ड्रैगन पर हमला करते हैं और गाइज यहाँ पर मैं मरते मरते बचता हूँ। देख रहे हो यार, अगर ये वाली मेरे से MLG मिस होती तो मेरा काम खत्म हो गया था यार, शायद मैं मर जाता। बड़ी मुश्किल से यहाँ से मैंने जान बचाई है, उसने एंडर ड्रैगन ने अपनी ब्रेथ जो है वहाँ पर छोड़ दी थी और मेरी हालत ख़राब कर दी थी। और गाइज फाइनली एंडर ड्रैगन हो चुका है खत्म, हमने एंड को फ्री कर दिया एंडर ड्रैगन के कब्जे से। और गाइज ऐसा पहली बार हुआ है आई थिंक कि मैं बिना डायमंड के आर्मर के आया हूँ और एंडर ड्रैगन को मैंने बीट करा है, बिना एनचांटेड टूल्स के, बिना एनचांटेड आर्मर के, सिर्फ आयरन का आर्मर पहनकर मैंने पहली बार एंडर ड्रैगन को बीट करा है यार। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपना लेवल हो चुका है बहुत ज़्यादा ओपी। अब जल्दी से मैं यहाँ पर एंडर ड्रैगन के एग को भी कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि अभी हमें आउटर एंड के अंदर भी जाना है और वहाँ से इलाइट्रा भी तो लेकर आना है ना यार। इलाइट्रा मेरा फेवरेट ऑब्जेक्ट है पूरे माइनक्राफ्ट के अंदर। और गाइज यहाँ से मैंने थोड़ा सा एंडस्टोन कलेक्ट करना शुरू कर दिया था क्योंकि हमें पूरा आउटर एंड के पोर्टल तक एक स्टेयरकेस बनाना पड़ेगा और उसके बाद हमारे पास एंडर पल्स हैं, हम लोग एंडर पल्स का यूज करके फटाफट से आउटर एंड के अंदर चले जाएंगे। सो यहाँ पर मैंने स्टेयरकेस बना लिया और आई थिंक अभी सिर्फ 8 डेज ही कंप्लीट हुए और 8 डेज के अंदर पहली बार मैंने एंडर ड्रैगन को डिफीट करा गाइज और हम लोग आ चुके हैं आउटर एंड के अंदर। और यहाँ पर आते ही मेरे साथ कुछ ऐसा होगा कि आप लोग देखकर चौंक जाने वाले हैं, मतलब सीरियसली मैं अभी आया ही हूँ और यहाँ पर मेरे ऊपर एंडरमैन ने हमला कर दिया है। यार थोड़ा सा तो वेट कर लो, इन लोगों ने मेरी हेल्थ इतनी लो कर दी थी मुझे लगा
कि अब तो काम खत्म हो गया यहाँ पर, मेरा हमारा हार्डकोर वर्ल्ड खत्म होने वाला है। बट यहाँ पर किसी तरह मैंने अपनी जान बचा ली वाटर बकेट का यूज़ करके। अब गाइस अगर मैं वाटर बकेट का यूज़ कर आउटर एंड के अंदर आया होता ना तो काम खत्म था मेरा, क्योंकि मेरे पास वाटर बकेट नहीं होती और यहाँ पर ये एंडरमैन मेरे को मार देते। ना ही हमारा आर्मर इतना अच्छा है और ना ही हमारे पास टूल्स अच्छी है, तो मैंने फटाफट से इन एंडरमैन को यहाँ से निपटाया और उसके बाद मैंने अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करी। और गाइज यहाँ पर भटकते भटकते मुझे पहली एंड सिटी मिल तो गई, बट इसके अंदर एंड चिप नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और गाइज आप लोगों ने मेरी इन्वेंट्री में नोटिस करा होगा मैंने यहाँ पर कोरस फ्रूट ले रखे हैं। अब गाइज कोरस फ्रूट जो है ना माइनक्राफ्ट का बेस्ट फूड भी है और वर्स्ट फूड भी है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि कोई चीज़ सबसे अच्छी और सबसे बुरी कैसे हो सकती है। बेस्ट फूड इसलिए क्योंकि आपको टेलीपोर्ट करा देता है जैसे आप इसे खाते हो, और वर्स्ट फूड इसलिए क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता कि कहाँ पर टेलीपोर्ट कराएगा। देखा अभी आप लोगों ने एकदम सीधा साधा डेमो। अब फटाफट से चलते हैं और इसकी लूट चेकआउट करते हैं, उसके बाद एंड शिप वाली हम लोग फटाफट से एंड सिटी ढूंढेंगे। इस वाली एंड सिटी के अंदर वो बड़ा वाला जो रूम होता है ना ऊपर की तरफ, उसके अंदर लूट होती है, तो फटाफट से मैं वहीं पर जा रहा हूँ। ऊपर हमें कुछ चलकर्स मिलेंगे जिन्हें हम मारने की कोशिश नहीं करेंगे, फटाफट से लूट लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। और गाइस चलकर्स के लेविटेशन इफेक्ट का यूज करके मैं लूट चेस्ट चेकआउट करने आ चुका, और यहाँ पर मुझे प्रोटेक्शन 4 और अनब्रेकिंग 3 की चेस्ट प्लेट मिल चुकी है, एफिशिएंसी 5 और मेंडिंग की पिकैक्स मिल चुकी है। बट यार दिक्कत वाली बात यह है कि चेस्ट प्लेट के ऊपर कर्स ऑफ बाइंडिंग लगा हुआ है और मुझे इलाइट्रा पहनना है। अगर मैंने उसे भी पहन लिया ना तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, मैं इलाइट्रा नहीं पहन पाऊंगा। और आप लोगों ने देखा बड़ी आराम से हम लोग लूट करके कोरस फ्रूट खा के बाहर भी आ गए एंड सिटी से। फाइनली गाइज द टाइम हैज कम, हम लोग को एंड शिप वाली एंड सिटी मिल चुकी है। अब हम लोग बहुत करीब है इलाइट्रा लेने के, जल्दी से मैं इसके पास जाता हूँ और ऊपर टावर अप करना शुरू करता हूँ। हम लोग इतना हैजल नहीं लेंगे पूरा एंड सिटी को लूट करने का, फटाफट से टावर अप करके सीधा एंड शिप पर जाएंगे और जल्दी से जाकर अपना प्यारा सा स्वीट इलाइट्रा लेकर आने वाले हैं। सो ये मैं पहुंच चुका हूँ ऊपर, अब जल्दी से एंड शिप के अंदर चलते हैं और वहां से जाकर इलाइट्रा ले लेते हैं। यहाँ पर एक आध चलकर होएगा अंदर की तरफ, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना पोशन चेक कर लिया जाए। इंस्टेंट हेल्थ के 2 पोशन मिल गए और साथ ही साथ मैंने इस ब्रूइंग स्टैंड को भी ले लिया। पहले मेरे को भूल रहा था मैं, बट फिर मैंने बाद में ब्रूइंग स्टैंड भी ले लिया। और अब चलते हैं और जल्दी से अपना इलाइट्रा ले लेते हैं। इस चलकर को फटाफट से मार देते हैं, निकल भाई यहाँ से, हमें इलाइट्रा चाहिए, जल्दी से मर जा। और ये खुल ही नहीं रहा था, पर मैंने इसको मारा फटाफट। और उसके बाद गाइस जब लूट चेकआउट करी ना, एफिशिएंसी 5 और अनब्रेकिंग 3 की, हमें डायमंड की पिकैक्स मिल गई यहाँ से, और यार इतनी ऑसम आयरन की लेगिंग्स भी मिल चुकी थी। इसके अंदर जब मैंने लूट चेस्ट चेकआउट करी तो एफिशिएंसी 2 का शवल मिला, जो कि ज्यादा अच्छा नहीं है, बट फिर भी कुछ ना होने से कुछ होना बेटर है ना यार। हमारे पास डायमंड की टूल्स और आर्मर इकट्ठा होता जा रहा था। और गाइस यहाँ पर इलाइट्रा लिया मैंने, और देख सकते हो यार स्काई इज द लिमिट वाला हमें एडवांसमेंट मिल चुका है और मैंने इलाइट्रा पहन लिया है। तो यार अभी 10 दिन पूरे नहीं हुए और मैंने इलाइट्रा भी ले लिया है, डायमंड का आर्मर भी अपने पास काफी सारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद गाइज मैं इस एंटिटी की लूट चेक करने आया और इसके अंदर से मुझे अनब्रेकिंग 3 की डायमंड की लेगिंग्स मिल गई और एक हेलमेट मिल चुका था प्रोटेक्शन 4 का। और गाइज यहाँ पे कुछ डायमंड भी मिले, एक शवल मिला जो कि बहुत बढ़िया लूट थी। और गाइज ये सब करने के चक्कर में ना मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान देना भूल ही गया, वहां पर शल्कर्स मेरी वार्ड लगा देते, सिर्फ 3 हार्ट्स ही बचे थे मेरे पास। बट अगेन कोरस फ्रूट है तो यार चिंता की क्या बात है, मैंने कोरस फ्रूट खाया और फटाफट से मैं बाहर आ गया। यार देख तो कितनी ओपी लूट मिल चुकी है हमें, डायमंड का ऑलमोस्ट पूरा सेट हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, आर्मर का, टूल्स भी अपने पास डायमंड के, और एन्चांटेड पिकैक्स मिल चुकी है, इतनी ऑसम। और यार ये शल्कर ना मेरे को बार बार हवा हवाई बनाने में लगा हुआ था, आप लोग देख सकते हो पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, वहां से यहां तक इसने प्रोजेक्टाइल मारा और मैं हवा में उड़ने लग गया। अब गाइस फटाफट से अपना डायमंड का आर्मर पहनते हैं और मैं आपको दिखाता हूं आर्मर पहनकर कैसा लग रहा हूं। सो गाइस फाइनली हमारे सारे गोल आज के कंप्लीट हो चुके हैं, हमें डायमंड का आर्मर मिल चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट इलाइट्रा मिल चुका है। और गाइस मैंने लाइफ में पहली बार माइनक्राफ्ट को 10 दिन के अंदर एंड करा है, और ये सेटिस्फेक्शन जो है ना ये बहुत ही अलग लेवल का है, बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। फटाफट से ओवरवर्ल्ड के अंदर मिलता हूं मैं आप लोगों से। सो गाइस वेलकम टू ओवरवर्ल्ड, मैं हार्डकोर माइनक्राफ्ट को 10 दिन के अंदर बीट करने के बाद ओवरवर्ल्ड के अंदर वापस आ चुका हूं। और यार माइनक्राफ्ट हार्डकोर का पहला एपिसोड बहुत अच्छा गया है, आने वाले टाइम में हम लोग बहुत ऑसम बिल्ड्स करने वाले हैं, इसको जंगल ओनली वर्ल्ड से भी ज्यादा एपिक बनाने वाले हैं। यहां पर मैंने एक शल्कर बॉक्स क्राफ्ट कर लिया था क्योंकि हमें शल्कर शेल्स वगैरह मिल गए थे। तो यार आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और बहुत मेहनत लगती है एपिसोड्स बनाने में, एक छोटा सा लाइक तो बनता है। फटाफट से मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।